आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासती खबरनामा आयना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं खदीसे शरीफ। गुल अज़रु ख़तामु अहदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب سنن ابن ماجه। आलिम की फजीलत आबिद के मुकाबले में ऐसी है जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। हैदराबाद के वाई एस सिटी काकतिया होटल में मुनाकिदा बायो एशिया 2021 कॉन्फ्रेंस का रियासती वजीर बल्दी नज़्मोनस ओआईटी के तारक रामाराव ने आज इफ्तिताह किया। इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के 30,000 मंदोबैन बशमूल फार्मा कंपनियों के जिम्मेदारान और तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स ऑनलाइन तरीक़ेकार से शिरकत करेंगे। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने आज कहा कि कोरोना की इस वबा से मुकाबले में हैदराबाद का एक अहम रोल है और इसी रोल ने हैदराबाद को कोरोना वैक्सीन का सदर मुकाम बना दिया है। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि आज अद्वियात के मैदान में नए नए तजुर्बात किए जा रहे हैं और हैदराबाद इसका गवाह है। केटिया ने कहा कि रियासती हुकूमत भी इस खसूस में अपना खसूसी दस्ते ताउन फराहम करेगी। एंड डॉक्टर रेड्डीज आर ऑगमेंटिंग द ग्लोबल सप्लाई बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द रशियन वैक्सीन स्पुतनिक। फर्दर औरोबिंदो फार्मा अगेन हैदराबाद बेस्ड कंपनी इज बिल्डिंग अ वर्ल्ड क्लास वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी with a capacity of about 450 million doses annually. All these highlight and augment the position of Hyderabad as the vaccine capital of the world. I'm extremely confident that significant global population will be immunized with vaccines produced in Hyderabad. This is no small feat to accomplish. Each time I travel, each time I meet people in various countries, investors in various countries, I keep saying, next time one of your children is getting a vaccine shot, there's 1 in 3 chance that it could have been manufactured in Hyderabad. And today I'm delighted that, you know, the world is taking cognizance of this fact. Our dream and vision of growing the life sciences industry in Telangana to over $100 billion looks plausible, and we remain absolutely committed to it. I'd like to highlight that even after the widespread health and economic distress caused by COVID-19 pandemic, the life sciences sector in Telangana has responded brilliantly with resilience and has witnessed tremendous growth during the last year. Life sciences sector in the last year has attracted new investments to the tune of about 3,700 crores of rupees and with an employment potential of 14,000 people directly. A feather in our cap has been the approval of Umbralizib for cancer treatment. It's historic. It is historic because this is the first drug ever discovered in India and approved by US FDA. I am extremely proud that this discovery of Umbralizib is led from Incogen's facility in Genome Valley. This year, Genome Valley also witnessed large pharmaceutical companies announcing expansion plans. Sai Life Sciences, a leading contract research organization, inaugurated its new research and development center in Genome Valley with an investment of about rupees 400 crores. I saw Krishna somewhere. Compliments to his entire team on that. रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ के वालिद नारायणा गौड़ का इंतकाल हुए 8 दिन का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी रियासती वजीर बराए अखिलेती बहबूद कोपुला ईश्वर, सफीर तेलंगाना बराए दहली वेणुगोपाल चारी और फिल्म स्टार श्रीकांत ने भी रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की वालिद की कब्र पर हाजिरी दी और गुलहाय अकीदत पेश की। इसके अलावा मशहूर फिल्म स्टार सुमन ने भी महबूब नगर में वाक़ वजीर मौसुफ़ के मकान पहुँच कर नारायण गौड़ की तस्वीर पर गुलाय अकीदत पेश किए और वजीर मौसुफ और उनके अराकीन खानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया। इनके हमरा के एस रवि कुमार, चेयरमैन जेपीएनसी ग्रुप्स ऑफ कॉलेज भी मौजूद थे।
नव मुंतखब मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी और मुत्ते श्रीलता रेड्डी डिप्टी मेयर जीएचएमसी ने आज अपने अपने चैम्बर्स में खुसूसी पूजा के बाद अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव, रुकन राज्यसभा के केशव राव मौजूद थे। इसके अलावा दोनों मेयर और डिप्टी मेयर को वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा मुख्तलिफ कॉरपोरेटर्स और जीएचएमसी ओहदेदारों और टीआरएस पार्टी कायदीन ने मुबारकबाद पेश की। जिला निर्मल के तालुका मधूल में ग्राम पंचायत सरपंच का ओहदा खाली रहने की वजह से पिछले दो माह से ग्राम पंचायत की तरक्की ठप होकर रह गई थी। याद रहे कि साबिका सरपंच रविंदर अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए कई लाख रुपयों के फंड को गबन करने पर जिला कलेक्टर मुशरफ अली फारूकी ने सरपंच को बरतरफ कर दिया था। आज आरजी सरपंच और नायब सरपंच के लिए इंतखाब अमल में लाया गया। ग्राम पंचायत के हाथे में एक इंतखाबी इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में सरपंच के ओहदे के लिए सी गंगाधर और नायब सरपंच के ओहदे के लिए लक्ष्मी बाई तमाम अराकीन पंचायत ने हाथ उठाकर बिला मुकाबिला मुंतखब कर लिया। इस इंतखाब के पेश नज़र मधूल पुलिस की जानिब से मौजे में एहतियाती तौर पर 144 सेक्शन नाफिज किया गया था। इस हिफाजती इंतजाम को खुद फैसर DSP नरसिंह राव ने अंजाम दी। इस मौके पर मधूल CI अजय बाबू, तानूर SI राजन्ना लोकेश्वरम, SI यासर अरफात ने अपनी खिदमात अंजाम दी। నాకు ఆ క్యాస్ట్ ఈక్విస్టాన్ని ఫీలింగ్ లేదు. ఇంత ముందులాగా ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు. ఓ కానీ ఆ క్యాస్ట్ ఈక్విస్టాన్ ఫీలింగ్ లేదు. నా కడుపులో 5 పైసల మైనా లేదు. అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. సర్పంచ్ తాత్కాలిక ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిందో మాకు మొన్న ఒక కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది.
ఫోర్త్ వార్డ్ మెంబర్ లక్ష్మీబాయి అనేట ఆమె కోడలు వాళ్ళ అత్తను ఇంట్లో ఉండగా ఒక నలుగురు ఐదుగురు వేరే అంటే మా వార్డ్ మెంబర్స్ వచ్చి మాట్లాడి చేసి ఉప మాజీ సర్పంచ్ గారితో మాట్లాడేది ఉంది రా అని చెప్పి ఆమెని వెహికల్లో తీసుకుపోయారు. ఎక్కడ తీసుకుపోయారో తెలియదు, ఫోన్లన్నీ స్విచ్ ఆఫ్ ఉన్నాయని తెలపడం జరిగింది. తర్వాత కంప్లైంట్ తీసుకున్నాక మేము ఎవరెవరు ఉండే అని చూస్తే వాళ్ళ అవి ఫోన్లన్నీ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చినాయి. స్విచ్ ఆఫ్ వస్తే మాకు కూడా కొద్దిగా అనుమానం వచ్చింది, ఎందుకంటే మేము లేడీ ఇల్లిటరేట్ సీనియర్ సిటిజను వార్డు మెంబరు కాబట్టి మేమేం చేసామంటే దాని కంటెంట్స్ బట్టి ఒకటి నార్మల్గా కిడ్నాప్ కేసు బుక్ చేసినాం. చేసిన తర్వాత మా పని దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి నిజంగా కిడ్నాపా కాదన్నది చెప్పే వ్యక్తి ఆమెని. కాబట్టి ముందు ఆమెను ట్రేస్ చేయాలి, అది మా బాధ్యత. లీగల్గా మేము ఆమెను ముందు ట్రేస్ చేయాలి. కాబట్టి ఒక పార్టీని పంపించినాం, ఎక్కడెక్కడ అయితే మన లొకేషన్ వచ్చిందో పార్టీని పంపిస్తే రాత్రి ఆమె బోకర్లో మా వాళ్ళు ట్రేస్ చేసి తీసుకువస్తుంటే బెల్తోడా దగ్గరికి రాగానే ఆమెకు జర ఆమెకు ఆల్రెడీ బీపీ షుగర్ ఉండడం వల్ల ఆయాసం ఎక్కువ. जिला संगारेड्डी के जहीराबाद मुस्तकर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के बागारेड्डी स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया था. आज इसकी अख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, साबिक रियासती वजीर डॉक्टर जे गीता रेड्डी, सदर यूथ कांग्रेस पार्टी शिवासन रेड्डी ने शिरकत की, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और रियासत तेलंगाना की मुख्तलिफ अजला की टीमों ने भी हिस्सा लिया था. आज फाइनल मुकाबले में सीसी अचंपेट और निज़ामाबाद सीसी में सख्त मुकाबला देखा गया, जिसमें 188 रन्स बनाकर अचंपेट सीसी ने कामयाबी दर्ज की. कामयाब टीम में कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के हाथों से इनामात की तकसीम अमल में आई. इस मौके पर आवाम में जोश खरोश देखा गया. कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी साहब और हमारे यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट शिवसेना रेड्डी साहब राष्ट्रीय इन मैं अधिकार वाले अंत मत वर्कर्स मेमंदर रूम चतल नमस्कार इला स्पोर्ट्स टाइम पास के मेंटल हेल्थ फिटनेस स्पोर्ट्स अने स्फूर्ति फ्रेंडली इला अच्छे इपड़े अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी गारु एमएलसी अध्यक्ष वेंकट गारु अरुण गारु यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी गारु अयिंडु वाल जिला नायर कर्नूल जिला अच्छेपेट नायर कर्नूल जिले सदर्भ में गल अच्छेपेट टीम अभिनंदू इंका फ्यूचर नाजरन. आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा सिटी डिजिटल सेटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहदा कर सकते हैं. इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा कर सकते हैं. नाजरन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें. तो नाजरन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़. शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़.